रुके हुए हैं अभी होटल लक्ष्मी में, जो कि है चित्तौड़गढ़ में। ठीक ठाक होटल है, प्राइस वगैरह सस्ती है। हमने 600 रुपये में ख़रीदा है, 2 बेडरूम है काफ़ी बढ़िया से, और इंग्लिश टॉयलेट भी है, आपको दिखा दूंगा मैं। और ये कुछ इस प्रकार का माहौल है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाबा सांवरिया शेठ के दर्शन करने के लिए, तो चलो ऑटो आ गई हमारी, बैठते हैं। ये है चित्तौड़गढ़ बस स्टैंड दोस्तों, अब हम लोग जाने वाले हैं अंदर। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ का बस स्टैंड दिखाई देता है, जो कि काफी खूबसूरत है। अब हमारी जो डेस्टिनेशन है वो 7 किलोमीटर की बची हुई है, और हमको एक ये प्राइवेट बस मिली है जिसका जो फेयर है दोस्तों वो 20 रुपये पर हेड है। तो अगर आप लोग भी कभी आएंगे तो आपको गवर्नमेंट बस लेनी है। गवर्नमेंट बस का जो किराया रहता है वो 20 से 50 रुपये के बीच का रहता है, और उसके बाद 20 रुपये यहाँ पे आपको देने पड़ते हैं। दोस्तों अभी हम लोग सांवरिया शेठ के दरबार के पास पहुँच चुके हैं, यहाँ से सीधा पैदल पैदल जाएंगे, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सांवरिया शेठ का मंदिर है। तो चलो अभी पहुँचते हैं, फिर आपसे आप बात करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सांवरिया शेठ, आपको सांवरिया शेठ जी का मंदिर दिख रहा होगा। मंदिर पर अभी कुछ काम भी चल रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ से हम लोग अभी ऐसे जाएंगे, ऐसे होते हुए मंदिर तक पहुँचेंगे, तो चलो चलते हैं। जिले के मंडफिया स्थित श्री सांवरिया शेठ का मंदिर करीब 450 साल पुराना है। मेवाड़ राज परिवार की ओर से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मंडफिया मंदिर कृष्ण धाम के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से 41 किलोमीटर एवं डबोक एयरपोर्ट उदयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सांवरिया शेठ के मंदिर की महिमा इतनी फैली है कि उनके भक्त वेतन से लेकर व्यापार तक में उन्हें अपना हिस्सेदार बनाते हैं। मान्यता है कि जो भक्त खजाने में जितना देते हैं सांवरिया शेठ उससे कई गुना ज्यादा भक्तों को वापस लौटाते हैं। व्यापार जगत में उनकी विख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। श्री सांवरिया शेठ जी मंदिर का भंडारा या दान पात्र माह के एक बार खोला जाता है या चतुर्दशी को खुलता है, और इसके बाद अमावस्या को मेला शुरू होता है। होली पर यहाँ 1.5 माह में और दीपावली पर 2 माह में खोला जाता है। सांवरिया शेठ मंदिर में कई NRI भक्त भी आते हैं। ये विदेश में अर्जित आय में से सांवरिया शेठ का हिस्सा चढ़ाते हैं, इसलिए भंडारे से डॉलर, अमेरिकन डॉलर, पाउंड, दिनार, रियल आदि के साथ कई विदेशी मुद्रा भी निकलती है। गुजरात के प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर में तर्ज पर पिछले कई वर्षों से सांवरिया शेठ मंदिर का नव निर्माण जारी है। इसमें मुख्य मंदिरों के दोनों ओर बरामदों में दीवारों पर बेहद आकर्षक चित्रकारी की गई है। अक्षरधाम की तरह यह मंदिर में भी बीच खाली मैदान में संगीत में फव्वारा लगाया जाएगा। यह विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत के राज्य जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 1961 से ही इस प्रसिद्ध स्थान पर देव झूलानी एकादशी पर विशाल मेले का आयोजन हो रहा है। सांवरिया शेठ जी मंदिर परिसर एक भव्य सुंदर संरचना है जो गुलाबी बलुआ पत्थर में निर्मित है। मंदिर के गर्भगृह में शेठ सांवरिया जी की काले पत्थर की बनी मूर्ति स्थापित है जो भगवान कृष्ण को रंग को दर्शाती है। सांवरिया शेठ मंदिर की वास्तुकला प्राचीन हिंदू मंदिरों से प्रेरित है। मंदिर की दीवारें और खम्भों पर सुंदर नक्काशी की गई है, जबकि फर्श गुलाबी, शुद्ध सफेद और पीले रंग के बेदंग रंगों से बना हुआ। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री सांवरिया शेठ का संबंध मीराबाई से है। किदवंतियों के अनुसार सांवरिया शेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल हैं जिनकी वह पूजा किया करती थी।